अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निसार मलिक और आप देख रहे हैं लेट्स गेट लॉस्ट विद निसार मलिक। तो आज सुबह के टाइम हमने डिसाइड किया कि देखने वालों को दिखाया जाए इस्लामाबाद में कोई खूबसूरत सा स्पॉट। जब भी आप इस जगह का इंतखाब करें तो याद रखिएगा कि ये जगह जो है वो जितनी खूबसूरत है उससे ज़्यादा खूबसूरत इस्लामाबाद का ये ट्रैक है। एकदम लश ग्रीन जो है सारा एरिया है, यहाँ पे पाइन ट्रीज हैं, यहाँ पे और बहुत सारी डिफरेंट किस्म की अकसाम है यहाँ पौधों की। और ये ट्रैक बड़ा रोमांटिक सा ट्रैक है, ख़ासतौर पे अगर आप न्यूली वेड हैं या अबाउट टू बी वेड हैं तो आप इस ट्रैक का इंतखाब ज़रूर कीजिए। बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो इस वक्त हम जा रहे हैं मोनाल से सीधा ऊपर की तरफ, जो हमारी डेस्टिनेशन है हाईलैंड कंट्री क्लब, उसकी तरफ हमारा सफ़र इस वक्त जारी है। और जो सीनरीज अगर आप देख रहे हैं अभी इस वक्त, ये सीनरीज जो हैं ये मिलियन डॉलर्स जिसे कहते हैं कि एक व्यू दे रही हैं। और मैं आपको अपनी बात बताऊं तो इस तरह का एनवायरनमेंट जो है वो मुझे मेस्मराइज करता है और आई कैन सिट नियर ट्रीज फॉर आवर्स एंड आवर्स। क्योंकि नेचुरली ये ग्रीनरी जो है वो आपकी स्ट्रेस को, आपकी डिप्रेशन को, आपकी परेशानियों को दूर करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। तो हम लोग तो लकी हैं जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं कराची से या मुल्तान से या क्वेटा से, उनके लिए वाकई ट्रबल है कि वो ऑल द वे फ्रॉम मुल्तान, कराची या क्वेटा से ट्रेवल करें और इस्लामाबाद में आके सरीन किस्म के इन्वायरमेंट को देखें। तो अगर आप इस्लामाबाद रावलपिंडी में हैं तो यकीन मानिए कि ये एक रहमत खुदावंदी से कम चीज़ नहीं है। अच्छा, हाईलैंड कंट्री क्लब के बारे में मैं आपको बताते चलूं कि हाईलैंड कंट्री क्लब जो है वो इस्लामाबाद में नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा के एक डिस्ट्रिक्ट हरिपुर में मौजूद है। और जैसा कि आप सामने बोर्ड पे देख सकते हैं और कलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो है ना यहाँ से हदूद शुरू हो जाती है। तो मैं अपने तमाम देखने वालों को बताता चलूँ कि अगर आप यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये उस हरीपुर में भी नहीं है जहाँ पे आपको तकरीबन 60-70 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना पड़ता है इस्लामाबाद बॉर्डर से। ये हरीपुर इस्लामाबाद की बिल्कुल बॉर्डर से टच होता है। बस आप जब भी हिली एरियाज में, ख़ास तौर पे जिस जगह पे अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे ड्राइव करने हो, तो याद रखिए यहाँ का रूल है कि आप जब भी ऐसे एरियाज में हों तो आप छोटे गियर का इस्तेमाल करें। और यहाँ पे ओवरटेक करना मेरा ख्याल है कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। ओवरटेक करने की ज़रूरत यहाँ पे आपको नहीं है क्योंकि रोड्स जो हैं वो इतनी खुली नहीं है। रोड्स कंडीशन बहुत अच्छी है लेकिन रोड जो हैं वो खुली नहीं है। तो आप जब भी यहाँ ट्रैवल कर रहे हों तो आप बिल्कुल स्लो एंड स्मूथ चलें, यहाँ की सीनरीज को इन्जॉय करें और महफूज तरीके से आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचे और महफूज तरीके से जाके अपनी मेमोरीज को रिकॉर्ड भी करें। We had visited Highland Country Club like 3-4 times, but every time when I visit the place, I get to fall in love with the place all over again because of the mountains, serenity, and the peaceful environment there. सो हेयर वी आर राइट एट द डोर स्टेप्स ऑफ हाईलैंड कंट्री क्लब। यहाँ से आपने लेफ्ट मुड़ना है। सो स्टे विद मी एंड लेट्स फाइंड आउट कि हाईलैंड कंट्री क्लब में क्या क्या अमेजिंग चीजें हैं और हम क्या क्या दिखाने वाले हैं आपको।
वाली जो हाईलैंड कंट्री क्लब की रोड है ये है तो बहुत अच्छी, लेकिन इट्स वेरी स्टीप। ये बिल्कुल जी अपहिल सा रोड है, बड़ा केयरफुल होकर ड्राइव करना पड़ेगा आपको। वेलकम टू हाईलैंड। हम लोग जी पहुंच चुके हैं हाईलैंड कंट्री क्लब और आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी बड़ी पार्किंग है। लेट्स टेक अ राउंड ऑफ पार्किंग। सो हम लोग जी पहुंच चुके हैं हाईलैंड कंट्री क्लब और आप देख सकते हैं यहां पर मैंने अपनी गाड़ी को पार्क किया है और पार्किंग के नज़ारे आप देखें और गेस करें कि ये जगह कितनी खूबसूरत होगी। So let's mount out of our car and let's explore more about Highland Country Club. During COVID, when you are staying home, it's already getting on your nerves, and you feel like going out. But you feel like ऐसी जगह हो जहाँ पे it's less crowded and थोड़ा सा open air हो, so that you get to spend some quality time with your friends and family. I think this is the must visit place. We have in here the cotton candy for kids. This is the cutlery that they are using. I think it's absolutely hygienic. देख सकते हैं ये wrap में है. It looks very shiny. So let's open it and let's try the food. And after that, I'll give you the review. One more thing I would like to add in here. Whenever you plan to visit this place, Highland Country Club, you should spare a day out, a whole day, because you just don't eat and just rush back home. You come here, you spend time, you just hang around, enjoy the nature, and then. ये बात बहुत ज़रूरी है जी। यहाँ पे जब भी आपने आना हो तो बिल्कुल, जैसे कि मेरी कोच ने बताया कि इस जगह पे जब भी आप आ रहे हों तो मेक श्योर कीजिए कि आपके पास काफ़ी सारा टाइम हो, बिकॉज आई बेट कि यू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम ओवर हियर जस्ट ईटिंग। सो ये है जी इनकी फिश, परफेक्टली ग्रिल्ड और बिल्कुल तेल टिप नहीं कर रहा है इससे, और ज़बरदस्त किस्म की फिश है यहाँ पर। आई जस्ट ट्राइड इट, मैंने बहुत फिश खाई है इस्लामाबाद पिंडी से, बट आई बैठ के इससे अच्छी फिश आपको पूरे इस्लामाबाद में कहीं से मिलेगी।
अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम जाकिर अजीज फ्रॉम आइलैंड कंट्री क्लब, पिसावा रोड सांगड़ा हरिपर KPK। ये इस्लामाबाद से तकरीबन सर 40-45 मिनट की ड्राइव पड़ रही है। ये मरगला हिल पे आ रहा है एंड इसके अलावा ये है कि डिस्ट्रिक्ट हरिपर में पड़ रहा है ये, और माउंटेन का टॉप है ये। 2008 में इसकी वर्किंग स्टार्ट हुई है सर कंस्ट्रक्शन, एंड 2012 में ओपन किया गया सर। इसमें सर हमारे पास डाइनिंग हॉल है सर, मीटिंग हॉल है, ओपन एयर सीटिंग है, टेरेसेस हैं, एंड अभी हमारा तकरीबन विद इन 3 मंथ्स एक रेस्टोरेंट और तैयार हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन उसकी जारी है, वो अलग रेस्टोरेंट है उस साइड पे ओपन एयर में। इसके अलावा बर्थडे के लिए और इवेंट के लिए, डिकोर के लिए, कोई इस तरह का इवेंट होता है उसके लिए अलग प्लेस बनी हुई है चेयरमैन पॉइंट के नाम से, और इसके अलावा यहाँ ओपन एयर सीटिंग है हमारे पास, इनडोर है, और 220 लोगों का मीटिंग हॉल है। मैरिज हॉल के तकरीबन फंक्शन हम ले रहे हैं, मतलब जितने भी इवेंट होते हैं शादी ब्याह के, इसके अलावा ये है कि मीटिंग ले रहे हैं हम, और कंपनीज के जितने भी इवेंट हैं वो हम ले रहे हैं आल पाकिस्तान से, और बाकी हमारे पास अकोमोडेशन है। अभी 50 रूम हमारे जो हैं वो ऑपरेशनल हैं, और 72 अपार्टमेंट हमारे तकरीबन 3-4 महीने में हमारी बिल्डिंग ऑपरेशनल हो जाएगी। कि 400 अपार्टमेंट बना के देना है, कंप्लीट करना है हमने इसको। इसके अलावा 3 बेड वेलाज हैं हमारे पास, कुछ हम बना चुके हैं, कुछ अभी बन रहे हैं, और इसके अलावा 2 बेड कॉटेज हैं हमारे पास, वो कुछ हम बना चुके हैं और अभी तकरीबन 3-4 महीने में ऑपरेशनल हो जाएंगे। उसके बाद हमारे होटल का 50 रूम है, और इसमें फिर स्विमिंग पूल है, मूवी थिएटर है, एंड मिनी गोल्फ क्लब है, एंड स्विमिंग पूल है, जिम है, क्लब की ऑल फैसिलिटीज देंगे इंशाल्लाह। SOPs का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है, विद करोना और विदाउट करोना भी इंशाल्लाह हम इसी तरीके से SOPs का ख्याल रखेंगे। हाइजेनिक के हिसाब से हम बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, और जितना भी हमारा फूड है, सर्विस है, उसमें कोई भी इस तरह की कंप्लेंट नहीं है, और हर एक चीज़ हम गेस्ट के हिसाब किताब से, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक और अच्छे स्टैंडर्ड के हिसाब से हम उनको प्रोवाइड करते हैं। और बाकी सर्दियों के मौसम में ये होता है कि 1.5-2 फुट इतनी बर्फ़ होती है, और सर्दी होती है, स्पेशली लोग इस्लामाबाद से, लाहौर से, गुजरांवाला से, फैसलाबाद से स्नोफॉल एंजॉय करने आते हैं, और बहुत सारे ऐसे गेस्ट हैं जो मुझे अपने नंबर दे के जाते हैं कि जिस वक्त स्नोफॉल होगी उस वक्त आप हमें कॉल कर दीजिएगा ताकि हम स्नोफॉल एंजॉय कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द लैंड ऑफ प्योर्स। From terrorism to tourism, Pakistan is a destination for all those who want to explore beauty. It's a heaven on earth, and Nisar, you're doing a fabulous job. You are in the north of Pakistan, which is basically a gateway to Central Asia. And Pakistan, ko Allah ne itna nawaza hai ki kisi ke wildest imagination mein bhi nahi aa sakta. Ye jo rich culture hai, Pashtun culture, ye jo aapke samne tabla aur saath mein rabab hai. एंड देन ये डाइवर्सिटी जो है बिल्कुल इस्लामाबाद के मारगला हिल्स के साए में, ये जो पर्टिकुलर एरिया है, दिस हैज़ मेड पाकिस्तान मोर मीनिंगफुल, एंड आई बिलीव द मोर यू एक्सप्लोर पाकिस्तान द मोर ब्यूटीफुल पाकिस्तान इज। तो आज का हमारा ये सफ़र हुआ यहीं पे एंड, और आप हमें दीजिए इजाज़त एक नए व्लॉग के साथ। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए वेन्यू पे कुछ नए डिशेस के साथ। अपने होस्ट निसार मलिक और को सतीश नज़ाकत को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।